9 अक्टूबर को भारत के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा का हुआ निधन, जिससे पूरा भारत देश शोक मना रहा है और हर कोई इस बात से है काफी नाराज। कुछ समय पहले ही रतन टाटा ने अपने चाहने वालों को ये बताया था कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही और फिलहाल उनके हेल्थ चेकअप चल रहे हैं। रतन टाटा सिर्फ एक महान इंडस्ट्रियलिस्ट ही नहीं बल्कि एक दयालु इंसान भी थे जो सबके दिलों में बसते थे। उनकी अचानक मौत की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर छाई, देश भर में उनके हजारों चाहने वाले और बॉलीवुड के कई सितारे अपनी शोक व्यक्त करने लगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक खूबसूरत तस्वीर के साथ उन्हें याद किया और एक इमोशनल ट्रिब्यूट लिखा जो दिल को छू गया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि श्री रतन टाटा जी एक विजनरी बिजनेस लीडर, एक दयालु इंसान और एक अद्भुत व्यक्ति थे। उन्होंने भारत के एक सबसे पुराने और प्रसिद्ध बिजनेस हाउस को एक स्टेबल लीडरशिप दी। एक्टर अजय देवगन ने भी एक्स पर अपने शोक जताते हुए लिखा, दुनिया ने एक विजनरी को खो दिया। रतन टाटा की लेगेसी हमेशा ही आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करेगी। सलमान खान भी रतन टाटा के गुजरने से काफी दुखी हैं। ग्लोबल सेंसेशन प्रियंका चोपड़ा जोनस का दिल टूट गया जब उन्होंने रतन टाटा के निधन की दुख भरी खबर सुनी। प्रियंका के इस हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट में अनुष्का शर्मा भी शामिल हो गई, जिन्होंने रतन टाटा को इंडिया का ताज कहकर उनकी शान को सलाम दिया।